नमस्कार दोस्तों, आज का जो टॉपिक है डिस्कशन का वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस पे हमें बहुत सारी इंक्वायरी आती है, बहुत सारी कॉल्स आती हैं कि सर इस टॉपिक के बारे कुछ बोलें। और जो टॉपिक है जिसके बारे हम बात कर रहे हैं वो है कि नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में बेल कैसे पाएं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा जो डिस्कशन है उस पे मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लास्ट तक देखें, क्योंकि हर जो बात बोली जाएगी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे वो है कि जो बेल का प्रिंसिपल होता है, बेल पाने का, बेलेबल हो चाहे नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हो, बेल पाने का जो प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है। नंबर दो, कोर्ट कौन सी चीजों को कंसिडर करती है बेल ग्रांट करने में। जब कोर्ट बेल ग्रांट करती है ऐसी कौन सी चीजें हमें कोर्ट के सामने दिखानी होती है, या जो भी कोर्ट में आर्ग्यू कर रहे हैं उन्हें कोर्ट के सामने रखनी होती है, जिन कंसिडरेशंस पे कोर्ट विचार करती है और बेल ग्रांट करती है। नंबर तीन में हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन से क्लास ऑफ पर्संस हैं जिन्हें बेलेबल ऑफेंस हो चाहे नॉन बेलेबल ऑफेंस हो, बेल मिलती ही है। और नंबर फोर पे जो हम डिस्कस करेंगे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कि वो कौन सी ऐसी कंसिडरेशन है, कौन सी ऐसी चीज है जिसके बिना आपका केस चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, आपको बेल पाने में वो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। वो ऐसी चीज है जो लास्ट में हम डिस्कस करेंगे, वो एक ऐसी चीज है जो अगर हो तो बुरे से बुरा केस भी आप जीत सकते हैं, और जो अगर ना हो तो अच्छे से अच्छा बेल का केस भी आप हार जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप यहां तक आ गए हैं तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट होगी, यही गुजारिश रहेगी कि आप वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि हर चीज पे जिसपे हम डिस्कस करेंगे, जिसपे टच अपॉन करेंगे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक बेल के केस में। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है, ये निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे कृपया सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उस पर क्लिक कर दें, ताकि जब भी हम नए नए वीडियोस बनाते हैं नए नए लीगल टॉपिक्स पे, तो वो आपको डायरेक्टली नोटिफाई हो, आपको पता लगे जैसे ही हम वीडियो को अपलोड करते हैं। क्योंकि ये जो स्पेस है, ये जो चैनल है, यहाँ पर हम लीगल इशूज़ के बारे डिस्कशन करते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। दोस्तों, सबसे पहला जो हमारा सब टॉपिक है वो है कि बेल का प्रिंसिपल क्या है। तो दोस्तों, विद रिस्पेक्ट टू एन ऑफेंस, जब भी कोई ऑफेंस कमिट होता है, ये एक लीगल प्रिंसिपल है कि बेल इज द रूल एंड जेल इज एन एक्सेप्शन। जब तक ट्रायल कंप्लीट नहीं होता, जब तक एक जो पर्सन है, जो अक्यूज्ड है, उसे गिल्टी नहीं पाया जाता, तब तक के लिए द रूल इज बेल और जेल इज ओनली एन एक्सेप्शन। ऐसा क्यों? बिकॉज हमारी जूरिसप्रूडेंस में अ पर्सन इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन अदरवाइज। इसका मतलब यह है, जब तक कि कोर्ट पूरी फाइंडिंग्स देख करके एक डिसीजन नहीं बना लेती कि एक अक्यूज जो है वो गिल्टी है, तब तक उसे प्रिज्यूम किया जाता है कि वो इनोसेंट है। तो अगर उसकी प्रिजम्पशन में वो इनोसेंट है तो उनको जेल में नहीं डाला जाएगा। पर ऐसा नहीं कि जेल होगी ही नहीं टिल द टाइम अ पर्सन इज प्रोनाउंस्ड गिल्टी। जेल किन सिचुएशंस में हो सकती है, जेल करने का या अरेस्ट करने का रीजन क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसका प्रिंसिपल क्या है। अरेस्ट इसलिए करते हैं कि जो अक्यूज्ड है उनके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है, कोई ऐसी डॉक्यूमेंट है जो कि पुलिस को अपनी हिरासत में रखकर ही मिल सकती है। इन अदर वर्ड्स, पुलिस कोर्ट में ये कह सकती है कि हमें ये जो अक्यूज्ड है इनकी कस्टडी इसीलिए चाहिए क्योंकि इनके पास ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको अगर हम इन्हें अरेस्ट नहीं करेंगे तो ये उनको टैम्पर कर देंगे। कुछ ऐसे विटनेसेस हैं जिनको अगर हम इन्हें अरेस्ट नहीं करेंगे तो ये उनको डराएंगे, धमकाएंगे, इंटिमिडेट करेंगे, या ऐसी सारी तमाम चीज़ें। जब पुलिस एक बेल एप्लीकेशन को आर्ग्यू करती है या स्टेट जब एक बेल एप्लीकेशन को आर्ग्यू करती है तो पुलिस ये तमाम चीज़ें कोर्ट के सामने रखती है। तो इसको अगर हम समअप करें तो द प्रिंसिपल इज दैट टिल अ पर्सन इज प्रूवन टू बी गिल्टी और टिल अ पर्सन इज फाउंड टू बी गिल्टी, अ पर्सन इज प्रिज्यूम टू बी इनोसेंट, एंड देयरफॉर बेल इज द रूल एंड जेल इज एन एक्सेप्शन। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हमारा जो क्रिमिनल लॉ है उसमें दो टाइप के ऑफेंसेस हैं, बेलेबल ऑफेंस एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस। बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं छोटे ऑफेंसेस जिनमें कि बेल कंपल्सरली एज अ मैटर ऑफ राइट मिलता है।
अगर पुलिस ने किसी को बेलेबल ऑफेंस के लिए चार्ज किया है या किसी के खिलाफ कंप्लेंट आई है तो पुलिस उनको पकड़ेगी और पकड़ के तुरंत बेल ग्रांट कर देगी। और एक होता है नॉन बेलेबल ऑफेंस। नॉन बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं सीरियस ऑफेंसेस। तो दोस्तों जैसे कि इसका नाम है ऑफेंसेस का नॉन बेलेबल ऑफेंस, क्या हम ये मान लें कि नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में बेल नहीं मिल सकती? ये एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में बेल मिलेगी ही नहीं। नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में बेल मिलती है, बट इट इज अप टू द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट टू ग्रांट यू बेल। नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में ये कोर्ट डिसाइड करेगी वेदर और नॉट टू ग्रांट बेल। सो द डिफरेंस, द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेज, कि बेलेबल ऑफेंसेज में एज अ मैटर ऑफ राइट बेल मिलता है और नॉन बेलेबल ऑफेंसेज में आपको कोर्ट को कन्विंस करना होता है कि हमें बेल मिलनी चाहिए। तो दोस्तों ऐसी कौन सी कंसिडरेशंस हैं, हमारा जो सेकेंड सब टॉपिक है, ऐसी कौन सी कंसिडरेशंस हैं जिसके आधार पे कोर्ट डिसाइड करेगी कि एक नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल देनी चाहिए या नहीं। तो दोस्तों जब एक बेल का केस कोर्ट के सामने आता है, कोई ऐसा स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं है जिस बेसिस पे कि कोर्ट डिसाइड करती है कि बेल मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। कोर्ट एक केस को होलिस्टिकली देखती है। कोर्ट डेफिनेटली एविडेंस और डॉक्यूमेंट्स और बहुत ही डिटेल में नहीं जाती एक बेल के मैटर में। कोर्ट बहुत ही प्राइमा फिशाई ओपिनियन फॉर्म करती है बेस्ड ऑन जो डॉक्यूमेंट्स उनके सामने हैं, बहुत डिटेल में नहीं जाती बिकॉज वो ट्रायल में जाती है कोर्ट। बट एट द टाइम ऑफ बेल कोर्ट प्राइमा फिशाई देखती है एक केस को होलिस्टिकली टू डिसाइड वेदर और नॉट अ बेल शुड बी ग्रांटेड इन अ नॉन बेलेबल ऑफेंस। तो जो बेसिक कंसिडरेशन है जो कोर्ट कंसिडर करती है एट द टाइम ऑफ हियरिंग अ बेल एप्लीकेशन इन अ नॉन बेलेबल ऑफेंस, वो ये है कि जो अक्यूज है उसने कितना सीरियस क्राइम कंसिडर किया है। फॉर एग्जाम्पल एक रेप विद मर्डर का जो ऑफेंस होगा उसमें जो कोर्ट की कोर्ट के सामने जो कंसिडरेशन होगी वो बहुत हैवी होगी, उसमें बेल मिलना कंपेरेटिवली डिफिकल्ट होगा क्योंकि जो ऑफेंस है वो इतना ग्रेव है और उसमें अगर डॉक्यूमेंट्स कोर्ट के सामने प्राइमा फिशाई ऐसे रख दिए जाए जिसमें कि साफ साफ दिखता है, जिसमें कि बहुत ही डायरेक्ट एविडेंस है कि रेप ऑफ विद मर्डर माइट हैव बीन कमिटेड, तो द कोर्ट माइट बी अ लिटिल अनकंफर्टेबल इन ग्रांटिंग बेल। क्योंकि इसमें क्या होता है कि द ऑफेंस इज सो हीनियस, द ऑफेंस इज सो सीरियस, इतना सीरियस ऑफेंस है, इतना ग्रेविटी वाला ऑफेंस है कि द कोर्ट कंसिडर्स कि ये ऐसे इंसान को अगर बाहर छोड़ दिया जाएगा सोसाइटी में तो ही माइट नॉट बी सेफ फॉर द सोसाइटी। और इसके अलावा जो और भी कंसिडरेशंस हैं वो ये हैं कि जो एक्यूज्ड है अगर उसे बेल पे छोड़ दिया जाए तो क्या वो कोर्ट के जो प्रोसेस है उसमें शामिल होगा। कई बार ऐसा होता है कि बेल मिलने के बाद एक्यूज्ड फरार हो जाता है या एक्यूज्ड को ट्रेस ही नहीं किया जाता, इसीलिए जब उसकी सजा सुनाई जाती है तो वो सजा भी पूरी करने के लिए वो मिलते नहीं है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि एक्यूज्ड जो है वो अगर उन्हें बेल दे दी जाए तो ऐसा तो नहीं वो कोर्ट के प्रोसेस से भाग जाएंगे या वेदर ही विल फ्ली फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ कोर्ट। थर्ड कंसिडरेशन विच द कोर्ट माइट कंसिडर इज कि अगर इन्हें बेल दे दी जाए, जो एक्यूज उन्हें बेल दे दी जाए तो ऐसा तो नहीं कि वो विटनेसेस या जो इम्पोर्टेंट एविडेंस और डॉक्यूमेंट्स है उनके साथ टैम्पर करेंगे या उन्हें विटनेसेस को इंटिमिडेट करेंगे। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि अगर जो एक्यूज्ड है वो बहुत ही पावरफुल पर्सन है तो अगर उन्हें बेल ग्रांट कर दी जाए तो उसका डर होता है कि वो बाहर निकल के जो इम्पोर्टेंट की विटनेसेस हैं उन्हें डराएंगे धमकाएंगे। तो अगर कोर्ट को ऐसा लगता है तो उसमें भी देर इज अ चांस दैट द कोर्ट माइट नॉट ग्रांट बेल एप्लीकेशन। तो इस सब टॉपिक को अगर सब सम अप करें, जो इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन है कोर्ट के सामने वो ये है कि कोर्ट एक मैटर को होलिस्टिकली देखेगा, कोर्ट सारे सराउंडिंग सर्कमस्टांसिस को देखेगा ना कि किसी एक चीज को। कोर्ट ये देखता है कि जो एक्यूज्ड है वो कहीं जस्टिस के जो प्रोसेस से भाग ना जाए, वो विटनेसेस और डॉक्यूमेंट्स को टैम्पर ना करें, और कोर्ट ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस को भी देखता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है। इसके अलावा और भी कंसिडरेशन होते हैं, जैसे कि हमने कहा कि एक बेल के केस में देयर इज नो स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला, बट हाँ ये जो आपके बेल के एप्लीकेशन को आर्ग्यू कर रहे हैं ये उनका काम है कि कोर्ट के मन में कोई भी डाउट हो। फॉर एग्जाम्पल कोर्ट को अगर लगता है कि जो एक्यूज है वो बहुत पावरफुल पर्सन है तो ये आपके जो लॉयर हैं जो आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कोर्ट में, ये उनका काम है कि कोर्ट का ये जो डाउट है उसे डिस्पेल करें, उसको खत्म करें कोर्ट के मन में कि इट डज नॉट मैटर वेदर माई क्लाइंट इज अ पावरफुल पर्सन और नॉट, बट वो कोर्ट को ये चीज में सेटिस्फाई करें कि वो बाहर अगर आते हैं तो वो किसी को डराएंगे धमकाएंगे नहीं। अगर कोर्ट ऐसी जो कंसिडरेशन या जो कोर्ट के मन में जो डाउट होते हैं
वो अगर आपके वकील साहब या जो आपके जो लॉयर हैं जो आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो अगर कोर्ट को सेटिस्फाई कर देते हैं तो गेटिंग अ बेल शुड नॉट बी डिफिकल्ट। दोस्तों जो हमारा थर्ड सब टॉपिक है कि ऐसे कौन से क्लास ऑफ पर्सन्स है जिनको बेल ग्रांट होगी इवन इन नॉन बेलेबल ऑफेंस। तो दोस्तों सबसे पहले आते हैं जो एक्यूज अगर 16 साल से कम की उम्र के हैं तो उन्हें इन अ नॉन बेलेबल ऑफेंस ऑल्सो दे गेट बेल। सेकेंडली इफ द एक्यूज इज अ वुमन अगर वो महिला है तो इवन इफ इट्स अ नॉन बेलेबल ऑफेंस उनको बेल मिलने में आसानी रहती है। थर्ड अगर जो एक्यूज है वो बहुत ही बीमार है बहुत ही इनफर्म है सिक है अनवेल है अगर उन्हें कोई स्पेशल मेडिकल कंडीशन है तो इवन देन आप कोर्ट को ये बात कर सकते हैं एंड द कोर्ट कंसिडर्स इट एंड ग्रांट्स बेल इवन इन अ नॉन बेलेबल ऑफेंस। और दोस्तों नंबर चार जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण जो इंग्रेडिएंट है एक बेल के मैटर में जो कि हमने कहा था जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आपको जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो आपके लॉयर हैं बेल के मैटर में जो आर्ग्यू करेंगे उनकी तैयारी। दोस्तों ये जो पार्ट है इट ये मैटर नहीं करता कि आपके जो आपका जो मैटर है उसमें कितना सीरियस ऑफेंस है या नॉन सीरियस ऑफेंस है कितने डॉक्यूमेंट्स है कितनी एविडेंस है प्रूफ करने के लिए वेदर और नॉट आपने वो ऑफेंस को कमिट किया है या नहीं। अगर आपके जो आपको जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं अगर वो तैयारी करके नहीं जाते हैं कोर्ट में तो इवन अ गुड केस कैन बी लॉस्ट। हम अक्सर देखते हैं हमने अक्सर ऐसा सुना भी है कि ये मैटर में हमें बेल मिलनी चाहिए थी पर हमें बेल नहीं मिली क्योंकि हमारे वकील साहब को नहीं पता था कि एविडेंस क्या था हमारे वकील साहब को नहीं पता था कि किसने जो वेपन था किसके हाथ में था। तो ऐसी तमाम चीजें होती हैं जो कि अगर तैयारी ठीक से की जाए तो जो कोर्ट के जो डाउट्स हैं उन्हें डिस्पेल किया जा सकता है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ये हमें समझना होगा कि कोर्ट के सामने द इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन इज नॉट वॉट इज राइट और रॉन्ग कोर्ट के सामने द इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन इज वेदर जो एक्ट है विद द एक्ट विच इज बीइंग कंप्लेंड ऑफ वेदर इट इज लीगल और इलीगल। अगर एक एक्ट ऐसा है जिसको कि हम एक ऑफेंस की डेफिनेशन में नहीं डाल सकते तो दैट इज समथिंग विच नीड्स टू बी टोल्ड टू द कोर्ट। वो कोर्ट को बताना होगा कि ये जो ऑफेंस है उसकी डेफिनेशन में उसकी परिभाषा में ये एक्ट नहीं पड़ता है सो देयरफॉर हमारे जो क्लाइंट है उन्होंने ये ऑफेंस नहीं किया है तो उसके लिए तैयारी अच्छे से करनी होगी। तो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आप जिनको भी हायर करें चाहे वो सीनियर एडवोकेट हो चाहे जूनियर एडवोकेट हो एक बेल के ऑफेंस में स्पेशली आप ये चीज से सेटिस्फाइड रहें कि उनकी तैयारी पूरी है। और अगर ये तैयारी वाला जो एस्पेक्ट है अगर एक बेल एप्लीकेशन में ये ठीक से होती है तो द चांसेस टू गेट बेल इंक्रीज क्योंकि कभी भी जब बेल एप्लीकेशन हम लगाते हैं और कोर्ट उस पर नोटिस इशू करती है अगर कोर्ट मन बनाती है कि इस बेल एप्लीकेशन को सुनना है तो 50-50 चांसेस होते हैं मैं उसमें बेल मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती है। ऐसा नहीं कि कोर्ट ने बेल एप्लीकेशन में नोटिस इशू कर दिया तो बेल मिलेगी ही 50-50 चांसेस होते हैं पर अगर तैयारी के साथ कोर्ट में जाए तो चांसेस 50% से इंक्रीज होकर 70-80% हो जाती है विच इज अ वेरी रीसेंट चांस टू गेट बेल इन अ बेल मैटर। तो दोस्तों विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ आर डिस्कशन आज का डिस्कशन यहीं तक। अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं हम उसे रिस्पॉन्ड करने का पूरा प्रयास करेंगे। उसके अलावा दोस्तों अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ा हुआ है वहां पर आप व्हाट्सएप करके एक अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं जिसमें कि हम 1-to-1 मीटिंग आपसे कर सकते हैं या 1-to-1 जो भी डिस्कशन है आपका जो भी इशू है उस पर हम डिस्कशन कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको लगता है कि इस डिस्कशन से इस वीडियो से किसी का फायदा हो सकता है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसे शेयर करें क्योंकि इसी तरीके से एक कम्युनिटी बन सकती है जिसमें कि हम सब लीगली अवेयर हों अपने राइट्स के बारे अपने जो भी लीगल चीजें हैं उसके बारे अपडेट रहे उसके बारे हमें नॉलेज हो क्योंकि यह बहुत जरूरी है एक सिविल सोसाइटी के अंदर कि सबको अपने लॉज के अपने राइट्स अपने ऑब्लिगेशंस के बारे पता हो। और इसके अलावा दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करेंगे अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो काइंडली इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हम जो भी लीगल डिस्कशंस करते हैं उससे आप जुड़े रहें। विद दैट आई टेक योर लीव फ्रेंड्स आशा करता हूँ आपको हमारा ये डिस्कशन इन्फॉर्मेटिव लगा आपके लिए हेल्पफुल था। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम स्टे सेफ गुड बाय।